नमस्कार, मैं टिकेश्वर और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। उससे पहले हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, जिससे कि आपके जिले की मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। मौसम विभाग का अलर्ट, आज झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश, अब और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग की ओर से आज झारखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बारिश के बाद झारखंड के अधिकांश इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कुछ जगह पर हल्की बारिश होने के असर है। वही इससे पहले मंगलवार को भी झारखंड के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश के बाद फिर से 30 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल के साथ बारिश होगी। वही आज बुधवार को झारखंड का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर 30 तक देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची समेत खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में बुधवार को ओलावृष्टि हो सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी और रामगढ़ में कुछ जगह पर बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार कल 30 दिसंबर को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वही आज राज्य के उत्तर तथा मध्य भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सुबह में कोहरा रहेगा और बाद में आकाश साफ हो जाएगा। बारिश और बादल के दौरान न्यूनतम तापमान चढ़ा रहेगा तथा अधिकतम तापमान गिरेगा। वही राज्य के आने वाले कुछ दिनों की मौसम की हाल पर चर्चा करें तो मौसम के मिजाज में आज से आने वाली शक्ति अगले कुछ दिनों में भी राज्य को प्रभावित करेगी। वही आज और कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। आपको बता दें कि मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर जमा हो रहे बादलों के कारण भी है। इसी के साथ झारखंड का मौसम बिहार के पश्चिमी इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से भी प्रभावित हो रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिन ठंडा के लिहाज से बहुत सावधानी बरतने वालों में से है। बारिश के बाद शीतलहर की भी दूसरी दौर के लौटने के भी आसार हैं और बारिश के कारण धुंध और कोहरे और भी घना होंगे। धुंध और कोहरे का सीधा असर दृश्यता पर पड़ने वाला है। वही आज झारखंड के इन जिलों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान रहेगा, जिसमें रांची में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही रामगढ़ का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही खुट्टी का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही हजारीबाग का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही गुमला का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही लातेहार का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही आज झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। तो इसी तरह झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड के खबरों का अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।